हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी फौज, हमारे फौजी भाई, जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि यू नो ऐसे पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। सो ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है, और जहाँ पर भी होंगे स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए हम उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने, कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे हमारी परिवार के लिए आज यू नो इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स आर ड्यूटी टू डू आर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ भी रहें खुश। लेकिन सुधू साहब वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में, और ऐसा लग रहा है कि यू नो हम लोग बार बार अपने यू नो शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है, और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिजी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब भी ये जो लड़ाई है, जो ये नफरत की लड़ाई है, ख़त्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। जो आपने सवाल बताया, बदला लेने वाली बात जो है, जो फोर्सेज हैं, जो सोनू जी ने बताया है, वो डिसिप्लिन में काम करती है, वो हुक्म की तामील करती है। जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उनको हुक्म दिया जाता है, उसी ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, अब आगे जैसे हम जन आक्रोश देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी जनता ही बनाती है, हम लोग मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, हम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, तो जो जनता है, जो देश के लोग हैं, वो ऐसे नुमाइंदे चुनेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे, तो वो ज़रूर सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी जिससे कि इन समस्याओं का अंत होगा, आतंकवाद का अंत होगा। हम लोग कई बार चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें गवा के हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार जो हो रहा है, ये चीज़ें कई सालों से चली आ रही थी, कई सालों से हमारे फौजी सेक्रीफाइस हो रहे थे, लेकिन जंग में नहीं हो रहे, कोई सो रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, ये जो बातें थी, ये अभी मुझे लगता है कि आम जनता तक पहुंच गए हैं, उनके दिल तक पहुंच गए हैं, उन्हें इस बात का गुस्सा है, आक्रोश यही है, ये जंग नहीं, इसे जंग नहीं कहा जाता। हम लोग अपने लोगों को इस तरह इस काम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवर जितने सालों से चल रहा था, वो आते आते आम जनता तक ये बात पहुँच गई है कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। तो जनता का जो जुड़ना जो है हमारी फोर्स के साथ, मैं इसे बहुत ही वेलकम चेंज करूँगा, और मुझे बेहद खुशी है कि हम सबके दिलों में इमीडिएटली जब भी कोई बात ऐसी होती है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फोर्स के लिए, या फोर्स मुझसे कुछ कहती है तो मैं उनका पैगाम कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, ये भी मेरी ड्यूटी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज जो जुड़ा है इन हरकतों के बाद जो फौजियों के साथ में, मुझे उसकी बेहद बेहद खुशी है, और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि और यूनाइट होंगे हम लोग, सिविलियन हैं हम लोग इस बात के लिए यूनाइट होंगे कि हमें अपनी फौज का साथ देना है। अगर वो हमें कोई हुक्म देते हैं, हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो हमें भी उसके ऊपर पूरा